गुड मॉर्निंग स्वीट लिटिल चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लेट अस स्टार्ट अवर डे विद मॉर्निंग असेंबली। फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। ओके, नाउ यू ऑल विल रिसाइट द प्रेयर। आपने ट्रू और फॉल्स लिखना है इन द गिवन ब्रेड बॉक्स। नंबर वन,
The narrator and his friends gathered for celebration in the workshop. Workshop में narrator और उसके friends क्यों इकट्ठा हुए थे? Celebration के लिए इकट्ठा हुए थे. Yes, true. Number two, when narrator sits in the chair for the first test flight, it was 9:30. जब पहली बार narrator अपनी मशीन को चेक करने के लिए चेयर पे बैठा था अपनी फ्लाइट के लिए, फर्स्ट फ्लाइट के लिए, तो उस टाइम क्लॉक में 9:30 थे. नो, इट्स फॉल्स. नंबर थ्री, द मशीन कुड टेक पीपल इन द पास्ट ओनली. मशीन लोगों को सिर्फ पास्ट में ले जाती थी. नो, इट्स फॉल्स. फ्यूचर में भी ले जाती थी ना. नंबर फोर, नरेटर्स हैट हंग ऑन द चेयर. नरेटर की हैट जो थी वो चेयर पे ही हंग की हुई थी, टकी हुई थी. यस, इट्स ट्रू. नंबर फाइव, नरेटर वॉज वेलकम्ड इन 8002-701 AD विद थंडरस्टॉर्म. नरेटर जो था इसमें थंडरस्टॉर्म के साथ उसका वेलकम हुआ था. यस, ट्रू. Now children, come to the vocabulary part given on page 28. Now this is your book, page 28. Here the exercise is given, vocabulary part. Okay? Now here you have to circle the odd one. आपको बेटा यहाँ पे synonym दिए हुए हैं word के, बहुत सारे synonyms हैं. आपने उनमें से जो synonyms हैं वो तो ठीक है, वो तो रखना है. बाकी जो सिनोनिम के अलावा कोई वर्ड है उसको आपने सर्कल करना है. ठीक है. नंबर वन, स्वेइंग. स्वेइंग का मीनिंग मैंने आपको कराया ना, टू मूव फॉर एंड फ्रो. मूव कैसे करना? तिरंगे पे, तरंगे जो होती हैं जैसे लहरें होती हैं, इस तरह से वेव्स जैसे होती हैं, इस तरह से मूव करना. तो इसमें क्या मीनिंग आपको दिए हुए, आगे क्या वर्ड्स दिए हुए हैं? फ्लॉकिंग, मूविंग, फ्लक्चुएटिंग, ट्रेम्बलिंग. इसमें कौन सा वर्ड है डिफरेंट? मूविंग. मूविंग ऑड वर्ड है ना इसमें. बाकी सबका मीनिंग स्वेइंग से मिलता जुलता है और इसका क्या है? मूविंग. नंबर टू, ब्लर. ब्लर मींस धुंधला. वर्ड्स आर डार्कन, हेज, क्लियर, विडिम. सबका मीनिंग आपको इसमें ब्लर का वही लग रहा है, धुंधला, एक्सेप्ट क्लियर. क्लियर जो है इसका मीनिंग डिफरेंट है. इसका मीनिंग क्या है? साफ. तो हम किसको सर्कल करेंगे? क्लियर को. नंबर थ्री, पैनिक. पैनिक मींस एकदम दहशत करना, घबरा जाना. अलार्म, ड्रेड, काम, फियर. अब इसमें से देखो सबका मीनिंग जो है पैनिक से रिलेटेड है. ओनली काम इज देयर. काम ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग डिफरेंट है. काम का मीनिंग है शाम. नंबर फोर, डेलिकेट. डेलिकेट मीन्स बहुत नाजुक, फ्रेजाइल, सेंसिटिव, अनइम्पॉर्टेंट, सॉफ्ट. सबका मीनिंग जो है डेलिकेट से रिलेटेड है. ओनली अनइम्पॉर्टेंट इज अ वर्ड जिसका मीनिंग डिफरेंट है. तो हम किसको सर्कल करेंगे? अनइम्पॉर्टेंट. नंबर फाइव, टिंकर. टिंकर मीन्स किसी चीज को ठीक करना, जोड़ना. मेंट, फिडल, रिपेयर, लीव, अलोन, फिक्स. यहाँ पे सारे वर्ड्स जो हैं टिंकर से रिलेटेड हैं एक्सेप्ट लीव एंड अलोन. ये दो वर्ड्स जो हैं ये ऑड वन है. चिल्ड्रन, कम टू ग्रामर क्वेश्चन. आप पहले बोलना शुरू हो गए. नाउ चिल्ड्रन, कम टू द ग्रामर क्वेश्चन गिवन ऑन पेज 29. ये पेज 29 है आपकी बुक का बेटा. इसमें ये पोर्शन है ग्रामर पोर्शन. अब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे. नाउ वी विल डू, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपने इन सेंटेंसेस को फिल करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ब्रैकेट में आपको वर्ड्स गिवन है वो फिल करके. ठीक है. नाउ इसमें क्या आएंगे? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आपको ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है, आपको पता है ना. डू यू नो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. उनके रूल्स भी पता है ना, कौन कौन सी डिग्रीज कहाँ
तो वो आपने यहाँ पे फिल करनी है. नंबर वन, दिस कैट इज डैश देन द डॉग. कौन सा आएगा, स्मॉल स्मॉल आएगा, स्मॉलर आएगा या स्मॉलेस्ट आएगा. अब यहाँ पे देन लगाओ बेटा. अब देन के साथ आप बताओगे कि कौन सा आता है. देन के साथ क्या यूज करते हैं हम, स्मॉलर, ई आर वाला आएगा ना देन के साथ, तो यहाँ आएगा स्मॉलर. दिस कैट इज स्मॉलर देन द डॉग बट द माउस इज द, क्या आएगा द के बाद क्या आएगा, स्मॉलेस्ट. ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री. नेक्स्ट नंबर टू, दिस कैंपिंग साइट इज द डैश. गुड, बेटर, बेस्ट. कौन सी डिग्री आएगी, द लगा हुआ तो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, बेस्ट. नंबर थ्री, माय टेडी बियर इज बिग बट आई एम टेडी बियर इज द डैश. बिग, बिगर, बिगेस्ट. अब द के साथ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव क्या है, बिगेस्ट. नंबर फोर, रॉय वॉज अ डैश स्विमर देन जेट. अब यहाँ पे रॉय और जेट का कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री कौन सी आएगी, फास्टर. नंबर फाइव, रोहन वॉज द डैश बॉय. अब द लगा है तो सुपरलेटिव डिग्री, स्मार्टेस्ट. नंबर सिक्स, माई आंट मेक्स द डैश फूड इन द फैमिली. अब कौन सी डिग्री आएगी, द के साथ सुपरलेटिव, टेस्टीएस्ट. नाउ कम टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज 27. क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई हैड द नरेटर इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स. नरेटर ने अपने फ्रेंड्स को क्यों इनवाइट किया था. नंबर टू, व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द हाउसकीपर. हाउसकीपर को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी. नंबर थ्री, हाउ डिड द नरेटर रियलाइज ही हैड ट्रेवल्ड फॉर 5 hours. नरेटर ने कैसे रियलाइज किया कि उसने 5 hours ट्रेवल किया है. नाउ विल डू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर्स में बेटा आपने क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स लिखने हैं वो आपने थोड़ा डिटेल में लिखने हैं. ठीक है, नंबर वन, हाउ डिड द नरेटर प्लेस द लीवर्स. नरेटर ने लीवर्स को कैसे रखा. व्हाट वॉज देयर फंक्शन इन द मशीन. उन लीवर्स का मशीन में क्या फंक्शन था, क्या काम था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब नरेटर्स एक्सपीरियंस व्हाइल सिटिंग ऑन हिज टाइम मशीन. जब नरेटर अपनी टाइम मशीन पे बैठा था उस समय नरेटर को कैसा महसूस हो रहा था, उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सारा आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द नरेटर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वेलकम ही गॉट आफ्टर टाइम ट्रेवलिंग. आपके विचार में नरेटर को टाइम ट्रेवलिंग के बाद जो वेलकम हुआ था नरेटर का, वो उससे सेटिस्फाइड क्यों नहीं था, क्यों संतुष्ट नहीं था उस वेलकम से जब उसका टाइम मशीन टाइम ट्रेवलिंग के बाद हुआ था. नाउ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. अब आप अपनी बुक में देखेंगे बेटा, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट गिवन ऑन पेज 28. ये देखिए बेटा, ये रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है पेज 28 पे. ये आपने अब करना है. इसमें क्या है, ऊपर गिवन लाइन पे देखिए, नॉट येट आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू टिंकर विद. अभी नहीं, अभी मुझे कुछ चीजें
और ठीक करनी है, बदलाव करना है, then it will be ready to go. फिर ये चलने के लिए तैयार हो जाएगी. नंबर वन क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर हियर? किसने ये सेंटेंस बोला है, कौन है इसका स्पीकर? नंबर टू नेक्स्ट, whom is he conversing with? वो ये सब बातें किसके साथ कर रहा है, कन्वर्सेशन किसके साथ हो रही है? नाउ नंबर टू क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टिंकर? टिंकर वर्ड से आप क्या समझते हैं, क्या मीनिंग है, क्या होता है टिंकर? यहाँ पे टिंकर यूज हुआ ना, बट आपने ये बताना है कि टिंकर का क्या मीनिंग है. Question number 3, what is it being referred to here? यहाँ पे it use हुआ है ना बेटा, ये वाला, ये it जो है वो किसके लिए use हुआ है यहाँ पे, ठीक है? Where is it being made ready to go? ये जो भी है, it जो भी है, कहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहा है, कहाँ पे इसको जाना है, ये सब आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है. यू हैव टू राइट डाउन ऑल द आंसर्स इन योर इंग्लिश नोटबुक एज वेल एज डू ऑल द एक्सरसाइजेस गिवन ऑन लेसन नंबर 4.